welcome in learning maths in easy way. Here I am going to explain the next concept of the decimal. Okay, so the concept next topic is conversion. Conversion में हम दो तरीके से करेंगे, fraction, how we convert a fraction into decimal, और the second one is decimal into fraction. तो सबसे पहले first लेते हैं fraction to decimal. कि किसी भी नंबर को, फ्रैक्शन में कोई भी नंबर है तो हाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल. ठीक है, जब भी हमारा कोई नंबर होता है सीधा कि 5/10 उसके नीचे 10 है, टेंस में हमें इसको, या फिर 2/100 है, ओके, या फिर 7/1000 है, या एंड सोन, इस मैनर में ही नंबर आता है. मीन्स जब हमारा डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 लैक्स इस टाइप से होता है तो वी कैन डायरेक्ट कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल. हमको क्या होता है कि डिवीजन करने की जरूरत नहीं होती है, जितना भी जीरो होता है यहाँ पर. ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 इज हियर, तो यहाँ पर डेसिमल 1 मूव कर जाती है लेफ्ट साइड. ठीक है, तो जैसे हमारा यहाँ पे 1 है तो 5 लिखेंगे और डेसिमल लगाएंगे, तो अब हम इसको 0.5 नहीं लिखते हैं, वी हैव टू राइट हियर 0.5. ओके, बिकॉज इस जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होती है तो वी कैन राइट इट एज 0.5. सेम एज हियर, यहाँ पर कितने जीरो है, 2 0 है, तो वी हैव टू मूव लेफ्ट साइड ऑन 2 प्लेसेस. पहले हम 2 लिखेंगे और हमें ये 1 प्लेस हुआ है, इसके आगे 0 लगाते हैं क्योंकि कोई और नंबर नहीं है, एंड दिस पॉइंट मीन्स 2 डिजिट के बाद पॉइंट हियर 0. ओके, सेम एज हियर 3 जीरोज आर देयर, तो 7, 2 जीरोज आर हियर एंड 10 इज हियर, तो 0.007. या फिर इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. द नंबर इज लाइक 27/10. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे अभी भी हमारे टेंस में ही है और 10 है, तो हमारा जो डेसिमल है वो 1 डिजिट के बाद होगा, जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, तो इट विल बी 2.7 क्योंकि वो 7 के बाद एक डिजिट मूव कर गया. सेम एज इफ आई राइट हियर, ये मैं सेम एग्जांपल लेती हूँ, 27/100 हियर देयर आर 2 0s इन द डिनोमिनेटर, तो वी हैव टू मूव 2 प्लेसेस, तो 7 और 2, इसके बाद 0.27. क्लियर, एंड द नेक्स्ट वन इज सेम एज 27/1000. सो हियर वी हैव टू मूव 3 डेसिमल प्लेसेस टू द लेफ्ट, 7 2, अभी 2 ही हुआ, वी हैव टू टेक 10 मोर एंड पॉइंट हियर, और यहाँ पर 10, तो 0.027 इज द आंसर. सो बाय दिस वे वी कैन राइट डायरेक्ट आंसर, मीन्स हमने किसी भी फ्रैक्शन को डायरेक्ट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट डिवाइडिंग. आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल. जैसे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में टेंस नहीं है, लाइक दैट हियर 15/2. अब मेरे पास एक सिंपल नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, तो सिंपली वी हैव टू डिवाइड 15/2. ठीक है, हमने 2 से डिवाइड किया, 2 का टेबल गया 14, 2 7s are 14. ठीक है, 1 हियर. अब हमारा क्या है कि 1 में हमारा 2 का टेबल नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं, इधर पॉइंट लगाते हैं और वी कैन टेक 10 हियर. ठीक है, सो 2 5s are 10, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, सो आंसर इज 7.5. तो दैट मीन्स इस तरीके से वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल. अब हमारे पास कोई आता है नंबर जैसे 1.3. ठीक है, 1.3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 3 से हमें 1 को डिवाइड करना है और शुरू में ही हमारा 3 का टेबल 1 में नहीं जा रहा है, तो क्या करते हैं, वी हैव टू टेक डेसिमल इज हियर, वी कैन टेक 10 इज हियर. 3 का टेबल 3 times 3 3 is 9, माइनस किया 1, अब फिर से नहीं जा रहा है. अब एक बार डेसिमल लेने के बाद वी कैन टेक 10, ऐसे ही हम मतलब अब इसको ले सकते हैं, अगेन 3 3 is 9. ठीक है, फिर से माइनस किया 1, दिस, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, तो वी कैन राइट इट इनटू 3 प्लेसेस. हम इसको 3 प्लेसेस तक हमने निकाला और अपना आंसर फाइंड आउट कर दिया. नाउ आई एम टेकिंग हियर मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू, हमें पहले इसको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है. 9 1s are 9, 9 or 2 11, इट विल बी 11/9. सो नाउ वी हैव टू डिवाइड सिंपली, जैसे हमने किया था अभी, 9 का टेबल
वन टाइम हियर टू बचा, अब टू में नाइन का टेबल नहीं जाता है, वी हैव टू पुट इट हियर डेसिमल और हम एक जीरो ले सकते हैं. नाइन टू ज़ा 18, अगेन टू जीरो, नाइन टू ज़ा 18, दिस प्रोसेस विल मूविंग. ठीक है, यही चलता रहेगा. तो वी कैन राइट हियर द आंसर 1.222 और आई कैन राइट इट बाय राउंडिंग ऑफ, या राउंडिंग ऑफ भी नहीं लिखेंगे तो द आंसर विल बी 1.22. ओके, सो बाय दिस वे वी कैन कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल. नाउ आई एम कमिंग हियर डेसिमल टू फ्रैक्शन, कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल 0.5. आई हैव अ नंबर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन. तो क्या होता है कि सबसे पहले वी हैव टू रिमूव दिस डेसिमल, हमें ये डेसिमल जो होती है इसको रिमूव करनी होती है. तो जब हम इसको रिमूव करते हैं तो वी हैव टू टेक नंबर्स इन द डिनोमिनेटर. डेसिमल के आगे जितना भी डिजिट होता है उतना ही वन के आगे जीरो लग जाता है. मीन्स यहाँ पर एक डिजिट है डेसिमल के आगे, तो वी कैन टेक हियर 10. ठीक है, नाउ इट विल बी कन्वर्टेड एज 5/10 एंड वी कैन फाइंड आउट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस. 5 से कट हो गया, नाउ 1/2, नाउ इट इज अ फ्रैक्शनल फॉर्म. सो बाय दिस वे वी कैन कन्वर्ट, इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट. सो आई एम टेकिंग अगेन एन एग्जाम्पल, लाइक द नंबर इज 0.42. ठीक है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे डेसिमल के आगे टू डिजिट है, तो व्हेन वी रिमूव दिस डेसिमल वी हैव टू टेक हियर इन द डिनोमिनेटर 100, क्योंकि डेसिमल के आगे टू डिजिट है उतना ही हम वन के आगे जीरो लेते हैं. तो नाउ द नंबर इज 42/100 बिकॉज इस जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है. ठीक है, तो 42/100 नाउ वी कैन कन्वर्ट इट इन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म. टू से कट किया, ठीक है, 21/50. अब ये किसी से नहीं कटेगा, सो इट इज अ फ्रैक्शनल फॉर्म. ठीक है, अब आते हैं हमारा कि कोई भी नंबर है, लेट और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लेट द नंबर इज 0.375. ठीक है, इट इज अ 3 डेसिमल प्लेसेस नंबर. व्हेन वी रिमूव इट हियर तो कितना आएगा, 1 के नीचे, क्योंकि डेसिमल के आगे 3 डिजिट्स है, तो 1 के आगे 3 ही जीरो लगेंगे. 375/1000. कट करेंगे इसको 5 से, क्योंकि 5 आ रहा है लास्ट में और यहाँ 0 है. 5 2 ज़ा लाइक दैट, 5 7 ज़ा 35, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25. नाउ राइट इट हियर 75/200. एक ही में इसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें. ठीक है, नाउ द 5 इज 5 4 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 2 बचा, 5 5 ज़ा 25. नाउ द 15/40 को अगेन वी हैव टू कट इट बाय 5, 5 3 ज़ा और 5 8 ज़ा. नाउ द 3/8 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस. सो बाय दिस वे वी कैन कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस. द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो आर क्लियर टू यू, सो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.